अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद डियर लर्नर्स। आज हम सब करेंगे क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 6.3। तो देखिए, इस एक्सरसाइज के ये वीडियो फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। तो देखिए, मुझे लगता है कि इस एक्सरसाइज पर दो वीडियोस बनाना पड़ेगा। एक वीडियो में अगर सारे एक्सरसाइज कवर कर दूँ तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई इस एक्सरसाइज पर दो वीडियो बनाऊँ। तो ये होगा फर्स्ट वीडियो। तो देखिए, ये एक्सरसाइज एक्चुअली ये जो पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड है। और ये जो एक्सरसाइज 6 है ना, 6.3, तो इसके तहत हम ये देख पाएंगे, ये सीख पाएंगे कि एक ट्राइंगल बनाने के लिए जो तीन साइड्स होते हैं, वो तीनों साइड्स के प्रॉपर्टी क्या होते हैं, तीनों साइड्स में आपस में रिलेशन क्या है, तीनों साइड्स के फंक्शन क्या है, ठीक है। और वो स्पेशली फॉर ए राइट ट्राइंगल, जिसके एक एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो देखिए, राइट ट्राइंगल्स में ये जो तीन साइड्स होते हैं, इन तीनों साइड्स के बीच एक डिस्टिंक्ट रिलेशन होते हैं। तो वो क्या है, हम थोड़ी देर बाद जान लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इन द फॉलोइंग फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड सो दैट द थ्री साइड्स मेक ए राइट ट्राइंगल, एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखिए, यह किसी एक ट्राइंगल की बात हो रही है, किसी एक ट्राइंगल, ये ट्राइंगल मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका। तो यहाँ एक ऐसा राइट ट्राइंगल होगा जिसकी राइट एंगल सी बार एक्स पर होना चाहिए। यहाँ ब्रैकेट में दी गई है, टेक एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो वही सी को 90 डिग्री लेना। और यहाँ देखिए, कुछ मेजर्स, मतलब साइड्स के मेजर्स दिए गए हैं, ए 1 सेंटीमीटर, सी 2.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ ए बी क्या है, ए बी सी ये तीनों साइड्स के लेंथ हैं, साइड्स के लेंथ हैं। हमें एक चीज़ पता है कि किसी राइट ट्राइंगल के जो तीन साइड्स होते हैं, इन तीनों साइड्स के अलग अलग नाम भी होते हैं। जो सबसे लंबा साइड्स होते हैं, इसको कहते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। और बाकी जो दो साइड्स होते हैं, ये साइड और ये साइड, इन तीनों को अगर इसको बेस माना जाए तो इसको परपेंडिकुलर माना जाएगा, और अगर इसको बेस माना जाए तो इसको परपेंडिकुलर माना जाएगा, ठीक है। लेकिन जो सबसे लंबा साइड है वही हाइपोटेनस होगा, और वो हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री एंगल के ऑपोजिट में होगा। ये जो एंगल है, इसके ऑपोजिट साइड ही है, तो वही साइड हाइपोटेनस ही होगा। दूसरी एक चीज देखिए, ये जो हाइपोटेनस है, इसके अलावा भी जो दो साइड्स है, इन दोनों साइड्स को इस हाइपोटेनस के लेग्स कहते हैं, लेग्स। ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान में रखना, इन दोनों साइड्स को, इस साइड और इस साइड, दोनों को लेग कहते हैं। दूसरे एक चीज़ देखिए, यह जो सी होगा ना, सी क्या है, यह जो स्मॉल ए बी सी है, ये साइड्स के लेंथ है, तो सी हमेशा हाइपोटेनस की लेंथ सूचित करेगी। सी से हमेशा इस क्वेश्चन में, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है भाई, ये सारे जिंदगी के लिए नहीं, सिर्फ इस ही क्वेश्चन के तहत जितने सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होगा, इनमें ये जो सी होगा, ये ए बी सॉरी ये जो हाइपोटेनस है, इस हाइपोटेनस की लेंथ माना जाएगा। और यहाँ ए और बी जो दो लेंथ है, ये आप ऑल्टरनेटिवली ले सकते हैं। तो अब देखिए, यह जो तीन साइड से ए बी और सी, इनमें रिलेशन क्या है। तो यह जो सी है, सबसे लंबी साइड है, तो इसकी स्क्वायर, सी स्क्वायर, ये बराबर होगा ये जो दो साइड्स हैं, इन दोनों की स्क्वायर के साम की। तो इज इक्वल टू ए को स्क्वायर करें और बी को भी स्क्वायर करें, और दोनों को ऐड कीजिए, प्लस कीजिए। तो देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ये जो तीन साइड्स है, ए बी और सी, जहाँ पे सी हाइपोटेनस है, तीनों में सबसे लंबी साइड है, तो इसकी स्क्वायर किसके बराबर होगी, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, मतलब बेस और ऑल्टीट्यूड, या फिर इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, ऑल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर। और यहाँ सी के ये दोनों साइज क्या है, लेग्स है। तो और भी बेहतर ढंग से इसको रिपीट कर देता हूँ, ये जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स लेग स्क्वायर, बस यू ही। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसकी बेसिस पर इन सारे प्रॉब्लम्स हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हेयर ए इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल टू 2.6 सेंटीमीटर। तो देखिए, सी यहाँ हाइपोटेनस दिए गए हैं, और इन दोनों हाइपोटेनस के जो दो लेग्स है, दो लेग्स में से किसी एक लेग ए इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दिए गए हैं। तो बाकी जो साइड है ना, मतलब थर्ड साइड है, इसको निकालना। तो यहाँ क्या होगा, बी ही होगा। तो देखिए, सॉल्यूशन में एक चीज यहां लिखना, वी नो
सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, इसको पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं या फॉर्मूला भी कह सकते हैं, पाइथागोरियन थ्योरम या फिर पाइथागोरस फॉर्मूला, पाइथागोरस लॉ। तो ये जो लॉ है, फॉर्मूला है, थ्योरम है, इसको पाइथागोरस ने डिस्कवर किया। ठीक है, तो देखिए ये होता है, आप देखिए यहाँ इन तीनों में से अगर किसी एक साइड मिसिंग है, नहीं दिया गया है, और दो साइड्स दे गए हैं, तो जो दो साइड्स दे गए हैं इनसे हम जो तार साइड नहीं दिए गए हैं, मिसिंग है, इसको हम इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ सी है तो हमें निकलना क्या है, ए दिया गया है तो बी निकलना है, तो इम्प्लाइज, अब इम्प्लाई करना, यहाँ बी स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर को ए और सी दोनों है ना, तो यहाँ देखिए सी तो बड़ा ही होगा, सी बड़ा है ना, तो ए स्क्वायर को इस साइड ले आइए और सी स्क्वायर से माइनस कीजिए, इस साइड में आए तो ए स्क्वायर तो माइनस होगा, अब बी स्क्वायर निकल आएगी। ठीक है, तो इम्प्लाइज बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो इम्प्लाइज यहाँ देखिए बी स्क्वायर के वैल्यू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रही है, लेकिन हमें बी चाहिए, बी स्क्वायर नहीं चाहिए, तो ये जबकि स्क्वायर है तो इसकी स्क्वायर रूट निकलनी पड़ेगी, तो बी स्क्वायर की जो स्क्वायर स्क्वायर रूट है ये सिर्फ बी है, ये जो स्क्वायर हट जाएगी। और यहाँ देखिए अगर आप कहे इसकी स्क्वायर हटा लिया तो स्क्वायर रूट बन गया, तो इन दोनों की भी स्क्वायर हटा लेते हैं और रूट्स बन जाएगा, नहीं ये नहीं, ये गलत है, इन दोनों के स्क्वायर हटाने से इसकी बराबर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ इसकी स्क्वायर से इसकी स्क्वायर माइनस हो रही है, तो यहाँ मतलब ये इन दोनों पर रूट ऑफ साइन लग जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऐसे ही हो जाएगा। ठीक, तो इज इक्वल टू अंडर रूट सी की वैल्यू क्या है, 2.6 है, 2.6 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए का वैल्यू क्या है, 1 है, 1 स्क्वायर, तो इज इक्वल टू देखिए 2.6 को स्क्वायर करना, तो कैसे 2.6 इंटू 2.6, तो 6 6 जार 36, 6 कैरी ओवर 3, 2 6 जार 12 प्लस 3 15, 2 6 जार 12, 2 कैरी ओवर 1, 2 2 जार 4 प्लस 1 5, तो 6 7 6। तो आप देखिए इस नंबर में देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट, इसके इस पर भी देखिए डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो कुल मिला के डेसिमल के बाद दो डिजिट्स है, तो यहाँ जो रिजल्ट आ रही है ना इस पर डेसिमल पॉइंट ऐसी जगह में पुट करना ताकि डेसिमल पॉइंट के बाद दो डिजिट बनी रहे, तो अगर यहाँ डेसिमल पॉइंट पुट किया जाए तो इसके बाद दो डिजिट आ रही है, देखिए 7 6 आ रही है, तो इसके वैल्यू क्या है, 26 स्क्वायर के वैल्यू 6.76 माइनस, यहाँ 1 को स्क्वायर करें तो 1 ही होगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू अंडर रूट देखिए 6.76 माइनस 1 तो क्या होगा, 5.76 होगा, तो इज इक्वल टू 5.76 इज इक्वल टू 2.4 हो जाएगा, तो यहाँ बी की वैल्यू 2.4 आया है। तो देखिए एक चीज़ देखिए, यहाँ इसकी स्क्वायर रूट कैसे निकल गई, ये तो स्क्वायर रूट साइन में है, मतलब इसकी स्क्वायर रूट लेनी होगी ना, तो देखिए 5.76, तो यहाँ से देखिए 5.76 की स्क्वायर रूट चाहिए 5.76, तो एक काम कीजिए डेसिमल पॉइंट हटा लीजिए, और डेसिमल पॉइंट के बाद दो डिजिट है ना, तो 1 के बाद 2 जीरो लगाइए और 100 हो जाएगा, 100 से डिवाइड दीजिए, तो आप देखिए 576 24 की स्क्वायर है, तो मतलब ऐसा ही है ना, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, तो इज इक्वल टू देखिए 576 किसकी स्क्वायर है, 24 की स्क्वायर है और 110 की स्क्वायर है, तो देखिए अब क्या हो, सॉरी स्क्वायर रूट साइन हट गया, स्क्वायर रूट साइन तो आप हट गए, इनके स्क्वायर रूट्स आ गए ना, तो स्क्वायर रूट साइन भी हट जाएगा, आप देखिए 10 से इसको डिवाइड दीजिए, 1 के बाद 1 0 है, एक 0 है, तो यहाँ एक्सट्रीम राइट से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट पुट कीजिए, मतलब यहाँ होगा तो 2.4 हो जाएगा, तो यहाँ 2.4 है, तो therefore आप लिख सकते हैं द थर्ड साइड इज 2.4, यह सेंटीमीटर में दिए गए तो 2.4 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, हो गया, फिनिश हो गया। अब टू नंबर देखिए, ए इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर और बी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, तो therefore वी नो ये तो हमें लिखना ही होगा, तो देखिए अब हमें क्या निकलना है, सी निकलना है ना, ए भी दिए गए हैं, सी निकलना है, तो इज इक्वल टू अब वैल्यू पुट कीजिए, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, देखिए अच्छा तो इसकी स्क्वायर रूट ले लीजिए, ये तो फॉर्म में है ना, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी दो लेग्स है किसकी, हाइपोटेन्यूज की, सी के, तो इज इक्वल टू अब देखिए ए स्क्वायर मतलब ए क्या है, 16 है, 16 स्क्वायर प्लस बी क्या है, 30 है, 30 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू आप देखिए 16 स्क्वायर 216 होगा, 216 प्लस 30 स्क्वायर 900 होगा, 13 टू 20 900 इज इक्वल टू टोटल देखिए 216 प्लस 900, अच्छा
अच्छा सॉरी, यहाँ 256 होगा, 56, तो 256 प्लस 900 1156, तो इसके स्क्वायर रूट हमें निकलना है। तो देखिए ये जो 1156 है ये 34 की स्क्वायर है, तो इसकी स्क्वायर रूट अगर है, मौजूद है, तो स्क्वायर रूट साइन हटा लीजिए और इसकी जगह इसकी स्क्वायर रूट लिख दीजिए, तो इज इक्वल टू 34। तो इसके आंसर क्या है, 34 है। देयरफॉर आप लिखते हैं द थर्ड साइड इज 34 सेंटीमीटर, हो गया भाई। आप थ्री नंबर देखिए, बी दिए गए हैं 4.9 सेंटीमीटर और सी दिए गए हैं 5 सेंटीमीटर। तो वी नो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमें यहाँ क्या निकलना है, ए निकलना है ना, बी और सी दिए गए हैं, मतलब हाइपोटेन्यूस के किसी एक लेग को निकलना। तो इम्प्लाइज यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, हमें बी निकलना है ना, तो बी स्क्वायर अपने साइड रखना, और अच्छा ए निकलना है सॉरी, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए को अपने साइड रखना और बी को इस साइड में ले आना, तो माइनस होकर आएगी ना, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये तो सी स्क्वायर से माइनस ही होगा क्योंकि सी यहाँ सबसे बड़ा है, तो इन दोनों में से किसी एक को निकलना है, तो सी स्क्वायर से इसको माइनस करना है। अगर सबसे बड़ी साइड जो है ना इसको निकलना है, तो सबसे छोटी जो दो साइड्स है इनको स्क्वायर करके प्लस कर देना है, मतलब दोनों छोटी साइड्स को प्लस करना, और अगर छोटी एक साइड निकलना है तो बड़ा जो साइड है ना इससे माइनस कर देना, छोटी एक साइड जो जिसको दिया जाएगा। तो आप एक काम कीजिए, स्क्वायर हटा दीजिए, मतलब स्क्वायर रूट ले लीजिए, अब ऐसा ही बन जाएगा। तो इज इक्वल टू, देखिए सी यहाँ क्या है, सी 5 है, ठीक है, तो 5 स्क्वायर माइनस बी क्या है, 4.8 है, तो 4.8 स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए 5 स्क्वायर क्या है, 25 है, यहाँ माइनस 4.8 स्क्वायर कीजिए, 4.8 तो 8 64 4 6, तो 4 8 अब जैसा है नॉर्मली हम मल्टीप्लाई करते हैं, इनटू करते हैं, वैसा ही कीजिए, डेसिमल पॉइंट बाद में हम एडजस्ट कर लेंगे। तो 4 8 32 + 6 38 होगा, फिर से 4 8 32 2 3 4 4 16 + 3 19, ठीक है, तो 4 10 0 9 + 6 12 + 1 13 3 2 2304 हो रही है, 2304। आप देखिए डेसिमल पॉइंट कहाँ पे पुट करना, यहाँ टोटल दो डिजिट है डेसिमल के बाद, तो यहाँ भी होगा, मतलब यहाँ हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा डेसिमल पॉइंट, ठीक है, तो 23.04 होगा। तो देखिए इज इक्वल टू अंडर रूट 25 से इसको माइनस कीजिए, तो 25 से अगर माइनस किया जाए ना, तो इस पर इसके बाद दो जीरो हम लगा सकते हैं पॉइंट देकर, ठीक है, तो 23.04। अब देखिए ये लाइक डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, लाइक डेसिमल नंबर हो गया, तो देखिए 10 - 4 6 है, 9 - 0 9 है पॉइंट अपने जगह पे, और यहाँ 4 बाकी रहेगा, 4 - 3 1 है, तो 1.96 है, तो इज इक्वल टू 1.96। तो देखिए 1.96 जो है ना, इसको आप 1.96 है, तो इसको डेसिमल पॉइंट हटा लीजिए, 196 हो जाएगा, डेसिमल के बाद दो डिजिट है तो नीचे 100 दे दीजिए, तो 196 क्या है, ये 14 की स्क्वायर है, तो मतलब इसकी स्क्वायर रूट 14 है और 100 की स्क्वायर रूट 10 है। आप देखिए स्क्वायर रूट हो गया, ये तो स्क्वायर में दिए गए हैं ना, देखिए स्क्वायर में, तो इसकी स्क्वायर रूट क्या आया, 14/10 आया फ्रैक्शन में, तो आप डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कीजिए, तो 10 से डिवाइड दी जाए तो यह डेसिमल पॉइंट होगा, 1.4 होगा, ठीक है, तो इज इक्वल टू 1.4, ठीक है, तो देयरफॉर द थर्ड साइड इज 1.4 सेंटीमीटर। अब देखिए फोर नंबर, ए इज इक्वल टू 1.5 और बी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो देखिए हमें सी निकलना है ना, यहाँ सी निकलना है, तो आराम से हम निकल सकते हैं इसी फॉर्मूला अप्लाई करके। तो इम्प्लाइज अच्छा हमें क्या चाहिए, सी चाहिए ना, तो सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए का वैल्यू क्या है 1.5, तो 1.5 होल स्क्वायर प्लस बी क्या है 2 स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 1.5 को मतलब 15 × 15 स्क्वायर कीजिए, तो 225 हो जाएगा, और 2.5 यह आएगा, अगर 1.5 को स्क्वायर कीजिए तो 2.25 हो रही है, 2.25 प्लस यहाँ देखिए 2 को स्क्वायर करें तो 4 आ जाएगा, ठीक है, तो इज इक्वल 2.25 + 4 6.25 हो जाएगा, 6.25 हो जाएगा, ठीक है। आप एक चीज़ ध्यान से देखना, अच्छे से देखना, 6.25 मान लीजिए यहाँ कोई डेसिमल पॉइंट है नहीं, तो 625 होगा, और इसके स्क्वायर रूट क्या होगा, 25 होगा, 25 × 25 625 होती है ना, तो देखिए आप यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद दो डिजिट है, तो इसके स्क्वायर रूट में डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट आएगा, तो 2.5 आ जाएगा, ठीक है, डेसिमल पॉइंट यह हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 2.5 है, तो देयरफॉर द थर्ड साइड इज 2.5 सेंटीमीटर। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बी इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल टू 3.7 सेंटीमीटर। तो
देयरफॉर हमें यहाँ क्या चाहिए, ए चाहिए ना, तो ए को इस साइड में रखिए और जो बी दिए गए हैं इस साइड में ले आइए, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए हमें तो ए स्क्वायर नहीं चाहिए, ए चाहिए, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए के वैल्यू, सी के वैल्यू क्या है, देखिए सी के वैल्यू यहाँ 3.7 सेंटीमीटर, 3.7 होल स्क्वायर माइनस, अच्छा बी के वैल्यू 3.5 है, तो 3.5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, तो आप देखिए 3.7 को स्क्वायर करें, 3.7 इंटू 3.7, 7 सर 49, 9 कैरी ओवर 4, 3 सर 21 प्लस 4 25, अच्छा 3 सर 21, 1 कैरी ओवर 2, 3 सर 9 प्लस 2 11, तो 9 6 3 1, तो डेसिमल के बाद दो डिजिट टोटल है, तो यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल पर, तो 13.69 आ रही है, 13.69 माइनस है यहाँ माइनस, तो 3.5 को आप क्या करना, स्क्वायर करना 3.5 को, तो 3.5 इंटू 3.5, तो 5 5 जार 25, 5 कैरी ओवर 2, 3 5 जार 15 प्लस 2 17, 3 5 जार 15, 5 कैरी ओवर 1, 3 3 जार 9 प्लस 1 10, तो 5 2 2 1, तो 1, तो आप देखिए 12.25 होगा, क्योंकि टोटल डेसिमल के बाद दो डिजिट है, तो यहाँ भी दो डिजिट होना चाहिए, तो 12.25, तो इज इक्वल टू अंडर रूट, आप देखिए 13.69 से 12.25 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो देखिए 9 माइनस 5 4 है, 6 माइनस 2 4 है, और 3 माइनस 2 1 है, अब देखिए 1.44, तो देखिए 1.44 है, आप एक चीज़ देखिए 1.44 डेसिमल पॉइंट हटा लीजिए 144 हो जाएगा, और 144 की स्क्वायर रूट 12 है, 12 इंटू 12 144, ठीक है, तो इसकी स्क्वायर रूट अगर 12 है, तो यहाँ देखिए 1 के बाद दो डिजिट्स है ना स्क्वायर में, 1 के बाद दो डिजिट है ना, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट थी ना, आप देखिए इसकी स्क्वायर रूट की स्क्वायर रूट में डेसिमल के बाद एक डिजिट सी आएगी, तो यहाँ होगी, तो 1.2 हो जाएगी, तो इज इक्वल टू 1.2, तो यहाँ दे द थर्ड साइड इज 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है 1.2 सेंटीमीटर, बस कंप्लीट हो गया। अब सिक्स नंबर देखिए, 18 सेंटीमीटर, बी 7.5 सेंटीमीटर, तो देखिए यहाँ हमें सी चाहिए ना, तो बहुत ईजी है, तो देखिए इसकी स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो सी हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ ये दोनों प्लस हो जाएगा ना, छोटी दो साइड्स मतलब दोनों लेग्स दिए गए हैं, तो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए ए की वैल्यू क्या है, 18 है, तो 18 स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या है, 7.5 है, तो 7.5 स्क्वायर, ठीक है इज इक्वल टू 18 को स्क्वायर करें, 18 को अगर स्क्वायर किया जाए ना, तो देखिए क्या आ रही है, तो 8 64 64 4 कैरी ओवर 6, 8 8 प्लस 6 14, ठीक है 1 8 1 1 0 1 4 2 3, 324, 18 स्क्वायर इज इक्वल टू 324 प्लस है 7.5 को आप फिर से स्क्वायर करना, तो देखिए 7.5 इंटू 7.5, ठीक है, तो 5 5 जार 25, 5 कैरी ओवर 2, 5 7 जार 35 प्लस 2 37, फिर से देखिए 7 5 जार 35, 5 कैरी ओवर 3, 7 7 जार 49 प्लस 3 52, ठीक है आप प्लस कीजिए 5 2 6 5, तो टोटल दो डिजिट्स होंगे, तो 56.25 हो जाएगा, तो 56.25 आप इन दोनों को ऐड करना, तो इज इक्वल टू अंडर रूट, दोनों को ऐड करने से क्या आ जाएगा, यहाँ 324 है, 324 ऐड कीजिए 0.25, 6 प्लस 4 10 0 कैरी ओवर 1, 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8 380.25, तो देखिए 380.25 आ रही है, तो आप देखिए 380.25, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 380 और डेसिमल पॉइंट हटा लीजिए, हो जाएगा यहाँ 25, और डेसिमल पॉइंट के बाद दो डिजिट्स थे तो 100 से डिवाइड दीजिए, आप देखिए 380.25 38025 के स्क्वायर रूट 195 है, 195, और 10 की 100 की स्क्वायर रूट 10 है, आप देखिए 10 से ना 195 को अगर डिवाइड किया जाए तो 19.5 आ जाएगी, ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या हो रहा है 19.5, तो देयरफॉर द थर्ड साइड इज 19.5 सेंटीमीटर, क्या बात है। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड आउट इफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपल्स, पाइथागोरियन ट्रिपल्स क्या है, तो पाइथागोरियन ट्रिपल मतलब वही है जो कोई तीन नंबर है, किसी भी तीन पॉजिटिव इंटीजर्स है, और तीनों इंटीजर्स में रिलेशन ऐसा ही होना चाहिए,
सबसे बड़ा जो नंबर है इसकी स्क्वायर, छोटे छोटे जो दो नंबर्स है इनकी स्क्वायर्स के साम के बराबर होना चाहिए, तब जाकर ये तीनों नंबर पाइथागोरियन ट्रिपल्स या फिर ट्रिपलेट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये कुछ नहीं, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो तीन साइड्स होते हैं, तीनों साइड्स के जो रिलेशन होते हैं वही होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान से रखना, पाइथागोरियन ट्रिपल होने के लिए कोई नॉन इंटीजर नहीं होना चाहिए, वो इंटीजर ही होना चाहिए, मतलब पूरा पूरा नंबर होना चाहिए, डेसिमल पॉइंट आना नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए 3, 4 और 5 क्या ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपल्स है। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ 5 नंबर ये क्वेश्चन भी है 5 नंबर में। ठीक है, तो यहाँ सबसे बड़ा 5 है, 5 को स्क्वायर करें, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब देखिए ये जो दो नंबर्स है, इन दोनों नंबर्स दोनों ही 5 से छोटा है, तो दोनों को स्क्वायर करके फिर से ऐड कर लीजिए। तो 3 के स्क्वायर क्या है 9 है, और 4 के स्क्वायर क्या है 16 है। अब दोनों को ऐड कीजिए, 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25, तो देखिए वही 25 आ रही है। तो इसके मतलब क्या है, ये जो 3, 4 और 5 तीन पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपल्स है। तो वैसे ही यहाँ कौन कौन सी सेट पाइथागोरियन ट्रिपल्स है हमें बताना, जस्ट यही। तो देखिए सिंपल यही करना, 1 नंबर है आर 8, 15 और 7 है। अच्छा, अब यहाँ देखिए 55 फर्स्ट सबसे बड़ा 15 है ना, तो 15 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 225, फिर 225 आ रही है ना। अब छोटे जो दो साइड से इन दोनों को ऐड कीजिए, स्क्वायर करके ऐड कीजिए, एंड देखिए 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो देखिए 8 8 जार 64 प्लस 7 7 जार 49 इज इक्वल टू, आप दोनों को ऐड कीजिए, तो ऐड करने से क्या आएगा 4 प्लस 9 13, 3 कैरी ओवर 1, 4 प्लस 6 10 प्लस 1 11, 113 आ रही है। और यहाँ देखिए जो बड़ा नंबर है इसको स्क्वायर करने से 225 आ रही है, तो ये तो नॉट इक्वल टू 225 है ना। ठीक है, तो देयरफॉर ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपल्स नहीं है। तो ऐसा ही लिखना, 8, 15, 7 आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपल्स, अगर होता तो यहाँ जस्ट नॉट हट जाता। अब नेक्स्ट देखिए 2 नंबर 7, 23 और 25, तो यहाँ सबसे बड़ा 25 है, तो 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 625 होगी, एंड दोनों छोटे साइड 7 और 23, 7 स्क्वायर प्लस 23 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर मतलब 49 प्लस 23 स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर करते 23 into 23, 3 3 9, 3 2 6, 2 3 6, 2 2 4, तो 9, 6 plus 6, 12, 2 carry over 1, 5, 529 वाली 529। अब इसके साथ 49 ऐड कीजिए, तो 9 plus 9, 18, 8 carry over 1, 4 plus 2, 6 plus 1, 7, 5, 578, तो देखिए 578 हो रही है, 578। तो ये 578 625 से छूटा है, मतलब दोनों बराबर नहीं है, तो इज नॉट इक्वल टू 625। तो देयरफॉर 7, 23 और 25 आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपल्स। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 12, 35 और 37, सबसे बड़ा नंबर 37, तो देयरफॉर 37 स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को स्क्वायर करते 37 को स्क्वायर करें, तो 7 7 49 9 carry over 4 3 7 21 plus 4 25 3 7 21 1 carry over 2 3 7 9 plus 2 11, तो 9 6 3 1 13 69 13 69, एंड अब दोनों छोटे साइज को स्क्वायर करके ऐड करना, 12 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर 144 होगा, प्लस 35 स्क्वायर क्या आएगा 35 into 35, 5 5 20, 25 5 carry over 2, 3 5 15 plus 2 17, 3 5 15, 5 carry over 1, 3 5 19 plus 1 10, तो 5 2 2 1, 1 2 2 5, 1 2 2 5 इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करना, तो दोनों को ऐड करने से क्या आएगा, देखिए 1 2 2 5, 5 plus 4 9, 2 plus 4 6, अच्छा 2 plus 4, 2 plus 1, 3, और यहाँ 1 है, 13 16 आ रही है ना। तो देखिए ये भी 13 16, ये भी 13 16, तो देयरफॉर आप देख सकते हैं 12, 35, 37 आर पाइथागोरियन ट्रिपल्स हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हियर आर 55, 132 और 143, तो यहाँ सबसे बड़ा 143 है, तो इसको स्क्वायर कर लेना, 143 स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 143
55 और 143 को स्क्वायर करते हैं एंड 55 स्क्वायर प्लस 143 स्क्वायर इज इक्वल टू, तो देखिए 55 को स्क्वायर करें तो क्या आएगा 3025 फिर से। अच्छा 143 को स्क्वायर करना, तो ये 143 नहीं 132, तो 132 into 132 17,424 तो इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करने से 3025 तो देखिए 5 + 4 9 4 4 0 2 2 0 4 4 9 तो यहाँ भी देखिए 2 0 4 4 9 2 0 4 4 9 तो देखिए दोनों बराबर आ रही है, तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं 55, 132 और 143 आर पाइथागोरियन ट्रिपल्स। अब नेक्स्ट 5 नंबर 3 4 5 तो यहाँ सबसे बड़ा 5 है, तो 5² = 25 एंड 3² + 4² = 3² 9 + 4² = 16 = 25 तो देखिए दोनों बराबर आई है, देयरफॉर 3 4 5 आर पाइथागोरियन ट्रिपल्स। अब नेक्स्ट 6 नंबर 0.7 2.4 और 2.5 तो यहाँ सबसे बड़ा 2.5 है, तो 2.5² = 2.5 6.25 होगी, ठीक है। अच्छा एंड 0.7² + 2.4² तो इज इक्वल टू 0.7² 0.49 होगी, 0.49 होगी क्योंकि 7 7 = 49 और यहाँ देखिए 0.7 × 0.7 तो डेसिमल पॉइंट के बाद टोटल दो डिजिट्स आ रही है, तो 7 7 = 49 होगी और प्रोडक्ट के प्रोडक्ट में डेसिमल पॉइंट के बाद दो डिजिट्स आना चाहिए, तो अगर यह पॉइंट पुट किया जाए तो दो डिजिट आएगी, तो पॉइंट पुट आप देखिए 24² तो 24² क्या है 576 24² लेकिन यहाँ 2.4 है तो डेसिमल पॉइंट यहाँ होगी, तो इज इक्वल टू आप दोनों को ऐड कर लेना 0.49 और 5.76 तो 9 + 6 = 15 5 कैरी ओवर 1 7 + 4 11 + 1 12 2 कैरी ओवर 1 और 5 + 1 6 तो 6.25 आ रही है 6.25 तो देखिए ये भी 6.25 ये भी 6.25 तो मतलब दोनों बराबर है ना, तो ये जो नंबर ये जो एक ग्रुप है देयरफॉर 0.7 2.4 और 2.5 आर पाइथागोरियन ट्रिपल्स, तो ये भी पाइथागोरियन ट्रिपल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए राइट एंगल ट्राइंगल इज आइसोसेलिस इफ द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज 50 व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स लेग्स। यहाँ कहा गया है कि एक राइट ट्राइंगल वो आइसोसेलिस भी है, कैसे देखिए मान लीजिए एक ट्राइंगल है और ये है 90 डिग्री, मान लीजिए ये भी है 90 डिग्री, तो यहाँ देखिए ये जो लेंथ है मान लीजिए ए है बी है सी है, तो ए बी के जो लेंथ है और बी सी के लेंथ बराबर है, ऐसा तो हो सकता है ना, राइट ट्राइंगल भी और इसके साथ साथ एक आइसोसेलिस ट्राइंगल भी जिसकी ये साइड और ये साइड बराबर है, ये दोनों साइड बराबर है, तो यहाँ कहा रहा है कि ये जो ए सी है ए सी के स्क्वायर 50 है, ए सी को स्क्वायर किया जाए तो 50 होगी, तो देखिए यह कहा गया कि ये जो हाइपोटेनस ए सी है इसकी जो दोनों लेग्स है और ये की लेंथ क्या होना चाहिए क्या होगी, तो देखिए ये ए बी और बी सी ये ऐसे हाइपोटेनस के लेग्स होते हैं, तो यहाँ भी देखिए ये जो दो लेग्स हैं मतलब इसको परपेंडिकुलर माने तो ये बेस होगा, तो परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों क्या है बराबर है इक्वल है, तो यहाँ अच्छे से देखना अगर एस स्क्वायर इज इक्वल टू 50 है और ए सी ये हाइपोटेनस है, तो देखिए ए बी स्क्वायर + बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 50 होगा, क्योंकि ये अगर राइट ट्राइंगल है तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स टू लेग स्क्वायर, तो दोनों लेग्स के स्क्वायर तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो रही है ना, अच्छा तो ये भी 50 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा
तो इस चीज़ को यहाँ थोड़ा सा प्रोसेस से हम लिख देंगे, तो यहाँ लिखनी पड़ेगी लेट ए बी सी डी बी डी राइट एंगल ट्राइंगल हुज एस इज हाइपोटेनस, लेट ए बी सी बी डी राइट ट्राइंगल एंड एस इज हाइपोटेनस। ठीक है, तो देखिए यहाँ गिवन क्या है, एस सी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 50 है। अच्छा, गिवन एस स्क्वायर इज इक्वल टू 50 क्योंकि हाइपोटेनस के स्क्वायर क्या है 50 है। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एस स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो देखिए एस स्क्वायर इज इक्वल टू 50 है, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ऑल्सो बी 50 इज इक्वल टू 50 है। तो एस स्क्वायर अगर 50 है तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर भी 50 होगी ना। आप देखिए यह ए बी और बी सी बराबर है ना, तो देखिए इम्प्लाइज टू ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 50। टू ए बी स्क्वायर क्यों लिखा भाई, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी। अच्छा, यहाँ और एक वर्ड लगाना पड़ेगा राइट आई सी सी डिस ट्राइंगल। ठीक है, ए बी सी बी डी राइट आइसोसीलीज ट्राइंगल एंड एस इज हाइपोटेनस। अब क्लियर हो गया, ए बी सी बी डी राइट आइसोसीलीज ट्राइंगल, यह तो एक तो राइट होगा राइट ट्राइंगल और दूसरी आइसोसीलीज भी, जिसकी ए बी और बी सी बराबर है, और यहाँ एस सी हाइपोटेनस कहा गया, तो मतलब ए बी और बी सी तो लेग होगा, दो लेग्स होगी। तो देखिए यहाँ टू ए बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ जो ए बी प्लस बी सी है ना, तो ए बी और बी सी दोनों बराबर है, तो हम यहाँ चाहें तो टू ए बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं और टू बी सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इम्प्लाइज ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ दो ए बी स्क्वायर की वैल्यू 50 है, तो एक ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 25 होगी ना, 25। ठीक है, इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 25। देखिए यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर की वैल्यू ए बी की स्क्वायर की वैल्यू 25, तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी, इसकी भी स्क्वायर रूट लेनी पड़ेगी, ए बी से स्क्वायर स्क्वायर साइन हटा दिया जाए। ठीक है, मतलब इसकी पावर हटाया जाए तो क्या होगा, इसकी स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो इसकी भी स्क्वायर रूट लेनी पड़ेगी, तो 25 स्क्वायर रूट 5 है, तो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 5। तो आप लिखना फाइनली, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 5 है। अच्छा, यहाँ तो कोई यूनिट नहीं दिया गया, तो यह सिर्फ यूनिट्स लिख देना, 5 यूनिट्स हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ सम ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो, व्हिच ऑफ दीज आर राइट एंगल ट्राइंगल्स। तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, और हर एक क्वेश्चन में किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स की मेजरमेंट दिए गए हैं, तो इससे पता लगाना कि इनमें से कौन से ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगी, राइट ट्राइंगल होगी। तो राइट ट्राइंगल होने के लिए क्या है, ये जो प्रॉपर्टी है ना, पाइथागोरियन थ्योरम है, अगर हाइपोटेनस को सी माने और बाकी दो जो साइड्स है हाइपोटेनस के जो लेग्स है इनको ए और बी माने, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। अगर इस कंडीशन फुलफिल हो जाए तो हम कह सकते हैं भाई इस मेजरमेंट से एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, तो आप चेक करते हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर के वन के सोल्यूशन देखिए, है आर या फिर गिवन लिख सकते हैं, या फिर वी है ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और सी इज इक्वल टू क्या है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देयरफॉर सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100, सी यहाँ क्या है 10 है, तो सी स्क्वायर क्या होगा 10 स्क्वायर होगा। ठीक है, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है 6 है, तो 6 स्क्वायर प्लस बी की क्या है 8 है, तो 8 स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर 36 प्लस 8 स्क्वायर क्या है 64, तो 36 प्लस 64 इज इक्वल टू 100, व्हिच इज इक्वल टू सी स्क्वायर, सी स्क्वायर के बराबर है रहे ना 100 है, तो अब हम कह सकते हैं कि इट इज ए राइट ट्राइंगल। अच्छा, यह और एक लाइन लिख सकते हैं, यह इज इक्वल टू सी स्क्वायर ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं, सीन्स सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देयरफॉर या फिर हेंस इट इज ए राइट ट्राइंगल, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए इज इक्वल 2.5 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 3.5 और सी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर
सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 4.5, 4.5 स्क्वायर करना तो इज इक्वल टू 4.5 मतलब 45 को स्क्वायर करके देख लीजिए ठीक है 5 5 25 5 करिए ओवर टू 2025 आ रही है 2025 आप देखिए डेसिमल पॉइंट कहाँ पे हो गए यह पॉइंट यहाँ है पॉइंट तो यहाँ होगी तो 20.25 हो रही है एंड देखिए एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक है तो यह 2.5 तो इज इक्वल टू 2.5 स्क्वायर यहाँ ब्रैकेट इसलिए दे रहा हो कि यहाँ एक डेसिमल पॉइंट है यह डेसिमल नंबर है प्लस बी क्या है 3.5 है 3.5 स्क्वायर ठीक है तो इज इक्वल टू 2.5 मतलब 25 को स्क्वायर करें तो 625 आएगा 625 आएगा ठीक है और डेसिमल पॉइंट यहाँ होगी अगर 2.5 को स्क्वायर किया जाए तो 3.5 को देखिए 35 को अगर स्क्वायर किया जाए ठीक है तो 5 5 25 हो गई और 3 4 12 ठीक है तो 12 25 तो यहाँ अगर पॉइंट है तो यहाँ डेसिमल पॉइंट यहाँ आएगी तो प्लस 12.25 ठीक है अच्छा आप दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 12.25 और 6.25 तो 5 प्लस 5 0 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 है पॉइंट है 8 है 18.50 क्या रही 18.50 है आप देखिए सी स्क्वायर 20.25 और स्क्वायर प्लस स्क्वायर 18.250 तो ये दोनों तो बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है देखिए सीन्स सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू स्क्वायर प्लस स्क्वायर ठीक है हेंस इट इज नॉट ए राइट ट्रायंगल हो गया अब क्वेश्चन नंबर देखिए 3 ए 8 सेंटीमीटर बी 15 और सी 17 तो देयर फॉर यहाँ सी तो फर्स्ट सी स्क्वायर लेना तो सी स्क्वायर इक्वल टू 17 स्क्वायर तो 17 को स्क्वायर किया जाए तो क्या आएगा 17 × 17 7 7 49 9 के ओवर 4 7 7 + 4 11 और 17 9 8 289 हो रही 289 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्या है यहाँ 8 है तो 8 स्क्वायर प्लस बी क्या है 15 है 15 स्क्वायर तो इसलिए ए स्क्वायर 64 प्लस 15 स्क्वायर 225 ठीक है तो इज इक्वल टू दोनों देखिए 64 और 225 225 64 तो 9 है 8 है 2 है 289 देखिए दोनों ही 289 आ रही है तो सिंस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हेंस इट इज नॉट नहीं इट इज ए राइट ट्रायंगल बस हो गया अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ए 0.3 मीटर बी 0.4 मीटर और सी 0.5 मीटर तो हम थ्योरम लगाएंगे तो देयरफॉर सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी क्या है 0.5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 को अगर स्क्वायर किया जाए कुछ देर के लिए पॉइंट छोड़ दीजिए तो 25 आएगी ठीक है तो आप देखिए डेसिमल पॉइंट यहाँ आ जाएगी तो 0.25 होगा अगर 5.5 को स्क्वायर किया जाए एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए के वैल्यू क्या है 0.3 है तो 0.3 स्क्वायर प्लस बी की क्या है 0.4 है तो 0.4 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 को स्क्वायर किया जाए तो 9 होगा तो यहाँ 0.09 होगा प्लस 4 को स्क्वायर किया जाए तो 16 होगा तो 0.16 होगा ठीक है तो देखिए इज इक्वल टू देखिए 0.9 और 16 0.25 होगा 0.25 हो जाएगा तो देयरफॉर सिंस सी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस स्क्वायर ये देखिए 0.25 यहाँ भी 0.25 हेंस इट इज ए राइट ट्रायंगल इसे ना बहुत सीधे अच्छा अब ये जो दो डेसिमल नंबर्स हैं इनको कैसे वेरी शॉर्टकट स्क्वायर कर लिया तो देखिए 0.3 फिर से 0.3 से मल्टीप्लाई करना मतलब क्या है 0.3 होल स्क्वायर मतलब 0.3 को वही 0.3 से मल्टीप्लाई करना तो 3 3 9 है आप देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद इस नंबर में एक डिजिट इसके भी एक डिजिट तो टोटल क्या है दो डिजिट्स है तो इसका मतलब क्या है डेसिमल नंबर के डेसिमल पॉइंट के बाद यह दो डिजिट्स आना चाहिए तो यह देखिए सिर्फ एक डिजिट 9 आ रही है तो और एक डिजिट 0 से बढ़ा देना इसकी लेफ्ट में 0 लगाना तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगी ठीक है और यहाँ इस पॉइंट को समझने के लिए यहाँ एक 0 दे देना ताकि यहाँ एक पॉइंट है इसको पता चलेगी वरना कभी कभी यहाँ जो पॉइंट होते हैं ये थोड़ा सा क्लियर कम होता है ना तो इसमें गलती होने की चांस हो जाती है ठीक है
तो देखिए यहाँ 0.9 और 0.4 को अगर स्क्वायर किया जाए 0.4 0.0.4 तो 4 4 16 ठीक है 16 हो रही। तो दोनों में देखिए एक डिजिट मतलब कुल मिलाकर दो डिजिट है डेसिमल पॉइंट के बाद। तो यहाँ पॉइंट अगर लाया दिया जाए ना तो पॉइंट के बाद दो डिजिट्स आ रही है तो इसकी स्क्वायर 0.16 हो रही है ठीक है। तो वैसे ही समझ लेना। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए लेटर इज प्लेस्ड इन ए स्लैंटिंग पोजिशन अगेंस्ट ए वॉल सच दैट इट टचेस इट 20 मीटर अबव द ग्राउंड। द फुट ऑफ द लेडर इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लेडर। तो यहाँ देखिए एक लेडर, लेडर तो आपको पता है ना जिस पर क्लाइंबिंग करके लोग ऊपर उठते हैं, कोई छत पे या फिर किसी ऊंची जगह पे उठते हैं ठीक है, इसको लेडर कहते हैं। मतलब मान लीजिए ऐसा चीज, वैसे ही लेडर होता है ना, ऐसी चीज लेडर होते हैं। अच्छा तो ऐसे ही एक लेडर किसी बिल्डिंग के वॉल पर स्लैंटिंग मतलब टेढ़ा करके इसको रखा गया ठीक है। तो ये जो लेडर है स्लैंटिंग पोजीशन में इसको रखा गया 20 मीटर अबव द ग्राउंड। अच्छा मान लीजिए ये है वॉल, ये है वॉल और ये है लेडर। लेडर तो बिल्कुल खड़ा नहीं रखते ना, ऐसे ही कुछ स्लैंट करके रखते। और मान लीजिए ये है ग्राउंड, ये है आपके ग्राउंड ठीक है, मतलब मिट्टी है ज़मीन है। तो ये जो लेडर है ये तो ज़मीन से ही जाएगी ना, ज़मीन से लगते हुए जाएंगे ना वॉल पर। तो यहाँ से जो दूरी है, यहाँ से जो दूरी है मतलब ज़मीन में, और ये जो लेडर है ये उसी ही दीवार के ग्राउंड से दूरी है, इतने दूरी पर। तो कितने दूरी पर 20 मीटर अबव द ग्राउंड। अच्छा तो ये है 15 मीटर और यहाँ जो लेडर लटका गया ना इस वॉल पर 20 मीटर अबव द ग्राउंड। तो इस पॉइंट से मतलब ग्राउंड से 20 मीटर अबव ऊपर 20 मीटर ऊपर इसको लटकाया रखा, लटका दिया गया और जिसकी एक हिस्से यहाँ ज़मीन पर टकरा गया ठीक है। तो आप देखिए ये जो लेडर है इसकी लंबाई कितनी है यही निकलना। तो यहाँ देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ना। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो भाई यहाँ हम ये हाइपोटेनस होगी ना, राइट एंगल जो है ना 90 डिग्री एंगल, इसके ऑपोजिट जो साइड है वही तो हाइपोटेनस है ना। तो ये जो लेडर है ये एक हाइपोटेनस के तौर पर काम करेगी ठीक है। तो देखिए इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए और इसके बाद स्क्वायर रूट ले लीजिए तो इसकी लेंथ आ जाएगी ठीक है। तो इसको ए मानते हैं, ए इस पॉइंट को बी और इस पॉइंट को सी मान लेते हैं ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही एक फिगर ड्रॉ कर लेना भाई, फिगर ड्रॉ कर लेना ठीक है। हम लेट करेंगे लेट ए सी बी दी लेंथ ऑफ द लेडर, हो गया। अच्छा यहाँ देखिए बी सी 15 सेंटीमीटर और ए बी 20 सेंटीमीटर। अच्छा देखिए गिवन बी सी इज इक्वल टू 15 मीटर, ये क्या है ये ग्राउंड से दूरी में है एंड ए बी इज इक्वल टू 20 मीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे यहाँ। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इज इक्वल टू देखिए ए बी क्या है 20 मीटर स्क्वायर है ना, 20 स्क्वायर प्लस बी सी क्या है 15 है 15 स्क्वायर। तो इज इक्वल टू 20 स्क्वायर 400 प्लस 15 स्क्वायर 225 इज इक्वल टू 625। तो ये ए सी स्क्वायर आई है ना, तो देयर फोर ए सी इज इक्वल टू इसकी स्क्वायर रूट ले लीजिए ऐसी हो जाएगी और इसकी स्क्वायर रूट क्या है अंडर रूट ऑफ 625 इज इक्वल टू 625 की स्क्वायर 25 है 25 क्या है। तो देयर फोर यहाँ आप यूनिट लगा देना, यहाँ मीटर मीटर में दिया गया है तो आप क्या निकला ये जो लेडर है इसकी लेंथ 25 मीटर है। तो कंप्लीट आंसर हो गया भाई। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए रेक्टेंगल हैज ए लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर, इट्स डायगोनल मेजर्स 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो एक रेक्टेंगल है, मान लीजिए ये है एक रेक्टेंगल ठीक है,
लेंथ दिए गए हैं 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये है 8 सेंटीमीटर, ये तो लेंथ होती है, लंबी जो साइड होते हैं ना ये लेंथ होते हैं, और छोटी जो साइड होते हैं ये ब्रेथ होते हैं, वाइड। तो मान लीजिए ए बी सी डी, यहाँ देखिए सिर्फ लेंथ दिया गया, ये जो ब्रेथ है इसको नहीं दिया गया, और इसके साथ एक डायगोनल दिया गया, डायगोनल। तो देखिए रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं दोनों डायगोनल बराबर होते हैं, यहाँ बी डी भी एक डायगोनल होगी ना, तो दोनों डायगोनल्स हमेशा बराबर ही होते हैं। तो देखिए डायगोनल 10 सेंटीमीटर दिए गए, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अच्छा आप देखिए इसकी बराबर साइड ये है, इसकी बराबर साइड ये है, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए ये भी 8 सेंटीमीटर होगा ना, 8 सेंटीमीटर। अच्छा अब यहाँ देखिए ये जो एक एंगल है ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है ना, तो ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, बराबर हो गए, इक्वल हो गए, और इन दोनों होरिएक एक एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है। इसके ये एंगल 90 डिग्री, इसकी ये एंगल 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री करके। तो देखिए हमें इसकी पेरीमीटर निकलनी है, पेरीमीटर। अच्छा इस ट्रायंगल को ले लीजिए ए सी डी को, ए सी डी ट्रायंगल को अगर लिया जाए ना, ये देखिए हाइपोटेनस है, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, इसकी भी हाइपोटेनस है और इस ट्रायंगल की भी हाइपोटेनस है, और इस ट्रायंगल की बात की जाए ना तो ये साइड और ये साइड दोनों लेग्स हैं, ठीक है। तो इन दोनों लेग्स में से एक एक दिए गए हैं और इसको निकालना, अगर इसको निकाल लिया ना हम तो देखिए वाइड हमें मिल जाएगी, और जब किसी रेक्टेंगल की लेंथ और वाइड दोनों ही हमारे पास हैं तो हम इससे पेरीमीटर या फिर इसकी जो एरिया होते हैं दोनों ही निकल सकते। तो यह सिर्फ पेरीमीटर निकलने के लिए कहा गया, तो पेरीमीटर के लिए भी लेंथ और ब्रेथ दोनों चाहिए, तो हमें लेंथ है अब ब्रेथ निकालना, तो किससे निकालना, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल की जो पाइथागोरस थ्योरम है उसी ही से निकल लेंगे। तो यह सॉल्यूशन में लिखना लेट ए बी सी डी बी दी रेक्टेंगल हुज ए सी इज ए डायगोनल, लेट ए बी सी डी बी दी रेक्टेंगल एंड ए सी बी दी डायगोनल। तो देखिए इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी देखिए ए डी तो निकालना चाहिए ना, ए सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड डी सी, डी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये डी सी क्या हो रही है, लेंथ हो रही है, और ए सी क्या हो रही है, डायगोनल हो रही है इस ट्रायंगल की। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। तो इम्प्लाइज हमें क्या चाहिए, ए डी चाहिए ना, ये ए डी चाहिए, डी सी है ऑलरेडी, ए सी भी है, तो ए डी को इस साइड में रखा जाए, जो है डी सी है इसको इस साइड में शिफ्ट किया जाए तो माइनस हो गई, तो ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी चाहिए ना, तो ए डी स्क्वायर। तो इम्प्लाइज आप देखिए यहाँ तो ए डी स्क्वायर है तो हमें ए डी चाहिए ना, ए डी, तो देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू, इस पर स्क्वायर रूट साइन लगा देना, तो ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर हो जाएगी, तो इज इक्वल टू अंडर रूट, ए सी क्या है 10 है, तो 10 स्क्वायर माइनस डी सी क्या है 8 है, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, 10 स्क्वायर 100 है माइनस 8 स्क्वायर 64 है, तो इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 100 माइनस 64 36 है, तो इज इक्वल टू आप देखिए 36 के स्क्वायर रूट 6 है, तो अगर इसके स्क्वायर रूट है तो इसके स्क्वायर रूट लेकर ये जो रेडिकल साइन है इसको रिमूव कर देना हो जाएगा। तो देयरफॉर आप देखिए ए डी क्या है, ए डी और बी सी बराबर है ना, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है ना, दोनों ही बराबर है, और ए बी और डी सी ऑपोजिट साइड से रेक्टेंगल की बराबर है तो होगी ना 8 सेंटीमीटर करके। तो आप पेरीमीटर निकलना, क्या कहा पेरीमीटर ने, हाँ पेरीमीटर, देयरफॉर आप पेरीमीटर इज इक्वल टू, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ है ना, तो इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ क्या है, मतलब डी सी है ना, तो 8 सेंटीमीटर, अच्छा यहाँ लिख देता हूँ 2 इंटू 8 प्लस ब्रेथ क्या है, ब्रेथ क्या निकला है 6 है, 6 है, इज इक्वल टू 8 प्लस 6 क्या होगा 14 होगा, और 2 इंटू 14 28 सेंटीमीटर। तो देखिए ये जो ए बी सी डी रेक्टेंगल है इसकी पेरीमीटर 28 सेंटीमीटर आया।
अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ए रेक्टेंगुलर पार्क हैज अ डायगोनल पाथ ए सी, सी फिगर, द लेंथ ऑफ द पार्क इज 12 मीटर एंड इट्स वाइथ इज 5 मीटर, व्हिच रूट इज शॉर्टर, ए बी प्लस बी सी और ए सी बाय हाउ मच। अब देखिए, ए बी सी डी एक रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर पार्क है, किसी एक पार्क है रेक्टेंगुलर टाइप के, तो हमें कहा गया कि इस सी पॉइंट से ए पॉइंट तक जाना होगा, सी पॉइंट से ए तक जाना होगा। तो देखिए, ये जो लेंथ है, लेंथ यहाँ कहाँ गया, 12 मीटर, और ये जो वाइड है ये है 5 मीटर, 5 मीटर कहाँ गया। तो ये जो रेक्टेंगुलर है ना, रेक्टेंगुलर पार्क है, इसके एक डायगोनल पाथ है, मतलब आने जाने की जो रास्ता है, छोटा सा जो रास्ता है ये डायगोनल है, मतलब एक कोना से दूसरे कोना जुड़ते हुए एक रास्ता है, ठीक है। तो अगर किसी ने इस साइड से, मतलब इस साइड से आकर फिर से यहाँ इस साइड से होकर इस पॉइंट में आया, और किसी ने इस पाथ से गुजरे, मतलब ये जो डायगोनली जो पाथ है ना, छोटा सा जो रास्ता है, इससे यहाँ आया, तो दोनों में डिस्टेंस क्या बराबर होगी या फिर डिफरेंट होगी डिस्टेंस। अगर डिफरेंट है तो यहाँ डिफरेंस कितनी की है, यहाँ घूम घूम के यहाँ आए और यहाँ डायरेक्ट यहाँ से डायगोनली आ जाए, ठीक, तो किसकी रास्ता शॉर्ट होगी यह पता लगाना। तो देखिए, ये 12 मीटर है और ये 5 मीटर है, ठीक है, तो ऐसे क्यों हम पता कर लेंगे, ठीक है। अच्छा गिवन, यह तो फिगर भी दिए गए हैं ना, फिगर दिए गए हैं, तो यहाँ देखिए ए बी अकॉर्डिंग टू फिगर एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू 5 मीटर और BC इज इक्वल टू क्या है 12 मीटर है। तो देखिए, यूजिंग द पाइथागोरियन थ्योरम हम AC निकाल लेंगे, ठीक है, तो देयरफॉर AC इज इक्वल टू अंडर रूट, इन दोनों के स्क्वायर को प्लस करनी पड़ेगी ना, तो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ लिखता हूँ, इज इक्वल टू 25 प्लस 144 इज इक्वल टू 169 इज इक्वल टू 13 मीटर। तो ये जो एसी है ना, ये 13 मीटर आया, 13 मीटर निकली ना। तो आप देखिए, अगर किसी बंदा यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ जाए तो 13 मीटर सफ़र करके आएगी, और अगर किसी ने यहाँ से आकर यहाँ फिर से यहाँ से यहाँ आए तो कितने मीटर दूरी इसकी तय करनी पड़ेगी, सफ़र करनी पड़ेगी। तो देखिए, एसी तो निकल आया, अच्छा देखिए, अगेन ए सी प्लस बी सी, यहाँ देखिए ये जो दिया गया है ना, ये तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है, तब ए सी प्लस बी सी निकलना, तो ए सी क्या आया, देखिए ए सी सॉरी ए बी प्लस बी सी, अच्छा यहाँ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है, लेकिन हमें क्या निकलना है, इसकी डिस्टेंस, ये जो घुमा घुमा कर जो रास्ता है ना, इसकी डिस्टेंस निकलना, टोटल दूरी निकलना। तो ए बी 5 है, इजिकल टू 5 मीटर प्लस बी सी क्या है 12 मीटर इजिकल टोटल 17 मीटर है। तो देखिए, किसी ने अगर इस रोड से आए तो इसको 17 मीटर दूरी तय करना पड़ेगा, और अगर ये जो डायगोनल जो रूट है इस रोड से गुजरे तो इसको 13 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। तो देखिए, कौन सी रास्ता शॉर्टकट है, भाई डायगोनल रास्ता शॉर्टकट ही होगा ना। अच्छा यहाँ देखिए, ये दोनों स्क्वायर करने के बाद बराबर होते हैं, इसकी स्क्वायर और दोनों के स्क्वायर के साम बराबर होते हैं, लेकिन विदाउट स्क्वायर, मतलब सिंपल इसकी डिस्टेंस इन दोनों के डिस्टेंस के साम की साम से कम हो जाएगी, लेकिन अगर स्क्वायर किया जाए तो बराबर आ रही है। तो देखिए, यहाँ क्वेश्चन में कहा कि व्हिच रूट इज शॉर्टर, ए बी प्लस बी सी और ए सी, तो यहाँ हमें लिखना है therefore AC is shorter, AC route is shorter, आई यहाँ लिखता हूँ, AC route is shorter by कितने मीटर shorter है, कम है, तो 17 मीटर माइनस 13 मीटर इज इक्वल टू, तो 17 माइनस 13 क्या है 4 है, 4 मीटर, तो 4 मीटर डिस्टेंस AC की कम हो गई। अच्छा यहाँ इज लिखना, ए सी रोज रो की शॉर्टर बाई 17 माइनस 13 4 मीटर,
तो भाई आज की वीडियो इतने तक, वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक करना और सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। वैसे ही इसकी, इस एक्सरसाइज की बाकी जो क्वेश्चंस है ना, बहुत जल्द ही सॉल्व कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।